बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियटन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं हमाद अहमद। आज हम 125 के यार्ड्स जो कि बहरिया में सबसे छोटी कटिंग है उसके ऑल पोजीशंस के बारे में डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे। उनकी सराउंडिंग में क्या आता है, उनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, उनके रेट एनालिसिस को आज हम आपसे बात करेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो डेवलप्ड एरिया है। डेवलप्ड एरिया में सबसे टॉप प्रायोरिटी पर हमें मिल रहा है अली ब्लॉक, जिसे हम पीसेंट 12 के नाम से भी जानते हैं। इस ब्लॉक की अगर हम डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ एक स्टेज में हमें 6 से 7 घर जो है वो तामीर होते हुए नज़र आते हैं। और दूसरा, अगर हम इसके रेट्स की बात करें तो यहाँ हमें मिनिमम 75 टू मैक्सिमम 95 तक हमें जो है यहाँ प्लॉट का रेट मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं पीसेंट 10B एंड 11B की। 10B 11B की अगर हम बात करें तो 10A से नीचे मरी पॉइंट से नीचे आके स्लोपिंग में हमें ये दोनों प्रीसेंट्स मिले हैं राइट और लेफ्ट साइड पे। इनके अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो ये हमें 62 अबव हमें इसके रेट्स मिले हैं, 62 प्लस। और इनका डेवलपमेंट स्टेटस भी काफ़ी एक बेहतर है। यहाँ भी लोग अपना घर बना रहे हैं, हमें यहाँ 20-25 घर जो है वो बनते हुए नज़र आ जाते हैं और 2-3 घर ऐसे हैं जिनमें फैमिलीज भी मूव हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रीसेंट 27 और 28 की। प्रीसेंट 27 की अगर हम बात करें तो यहाँ बहरिया ने अपने जो विलाज हैं वो भी दिए हुए हैं। एंड सेकंड थिंग इज़ यहाँ लोग अपने प्राइवेट विलाज बना के भी अपनी जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के अगर रेट्स की आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो यहाँ के रेट 55 to 75 तक, और कई लोग ऐसे हैं जो 80 तक भी बेच रहे हैं, मगर जो रेट्स नॉर्मल रेट्स हैं वो 75 तक ही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीसेंट 14 की, जो कि हमें मेन जिना के ऊपर बिल्कुल प्रीसेंट 14 एंड 15 हमें मिल जाता है, तो इनके रेट्स की अगर हम बात करें तो इनका रेट हमें मिनिमम 65 टू मैक्सिमम 80 तक हमें इनका रेट्स मिल रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही एक बेहतर लोकेशन है, हमारे बिल्कुल जिना के ऊपर ये एक लोकेशन आ रही है। अब बारी है डिस्प्यूटेड लैंड की, के बहरिया में जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसमें कोई चेंजेस आई हैं नहीं आई, उनकी मार्केटिंग हो रही है, उसके बारे में आपको बताना। तो नाजरीन, जो डिस्प्यूटेड लैंड है जैसे 32 ABCD एंड 29 ABCD, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, यानी कि उनकी अभी मार्केटिंग अभी तो नहीं हो रही, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 2-3 माह तक जैसे 61, 62, 63 की मार्केटिंग हो रही है उसी तरह इनकी भी मार्केटिंग होगी। अब हम बात करते हैं जो नॉन डेवलप्ड एरियाज़ हमें मिल रहे हैं, उनमें सबसे पहले 61, 62 और 63 आ जाते हैं। 61 के रेट्स की अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ हमें 31 प्लस रेट्स मिल रहे हैं 125 के यार्ड्स के। 62 में हमें जो रेट्स मिल रहे हैं वो हमें 25 प्लस मिल रहे हैं। उसके बाद 63 ऑनवर्ड हमारे पास आ जाता है तो उसमें भी हमें रेट्स 23 प्लस हमें जो रेट्स मिनिमम रेट्स हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बहरिया ग्रीन्स की। बहरिया ग्रीन्स का आप समझ लें 60% हिस्सा जो नॉन डेवलप है एंड 40% हिस्सा हमारे पास डेवलप्ड आ जाता है, इनके वहाँ काम जारी है। अगर बहरिया ग्रीन्स के रेट्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास दो बातें आ जाती हैं, ओल्ड डील एंड न्यू डील। ओल्ड डील की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें मिनिमम 8 to मैक्सिमम हमें 12 लाख ओन पर हमें एक फाइल मिल जाती है। 12 लाख से मुराद ये है कि कैटेगरी क्या प्लॉट होता है, लाइक कॉर्नर होता है एंड उसके अलावा एक्स पार्क फेसिंग टाइप। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीसेंट 23 की, तो प्रीसेंट 23 भी इसी तरह 40% हमारे पास नॉन डेवलप है एंड 60% ऑलमोस्ट 60% हमारे पास डेवलप्ड एरिया में मिल जाता है 23 में। यहाँ के अगर हम रेट्स की बात करें तो ये हमें 48 प्लस तक हमें यहाँ रेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 26A एंड 25A। 26A एंड 25A ये भी, इनमें भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो अभी के नॉन डेवलप्ड है, और अगर हम इसके रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ हमें मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम हमें यहाँ रेट जो है वो 60 तक हमें यहाँ मैक्सिमम रेट मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीसेंट 25 एंड 24 ये हमारे पास डेवलप्ड एरियाज़ हैं। यहाँ अगर हम रेट्स एनालिसिस करें तो 20 यहाँ हमें
50 प्लस में हमें यहाँ रेट्स मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें ऑल ये पर्सन्स जो हैं इनमें रेट्स का इतना डिफरेंस जो है वो नज़र तो नहीं आता, लेकिन डिफरेंस है। जब हम अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हम 23 में इन्वेस्ट करने के बजाय 23 में 50 लाख इन्वेस्ट करने के बजाय हम 14 में 65 तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या 27 में हम 55-56 तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड एरियाज़ हैं और डेवलप्ड एरियाज़ की मार्केटिंग और उनके रेट्स जो हैं वो अबव होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑल अदर पीसेंट्स। अदर पीसेंट्स में भी डेवलपमेंट स्टेटस हैं, लेकिन आज हमारी वीडियो का जो मेन मकसद था वो था 125 स्क्वायर यार्ड्स के बारे में आपको बताना, उसके रेट एनालिसिस करना। और एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये ऑल पीसेंट्स इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही अच्छी लोकेशन पर मौजूद हैं। ये बैरिया की सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसका रिटर्न मिलता ही मिलता है। उसके बाद अगर आपको बहरिया के और किसी भी प्रीसेंट के बारे में, यहाँ बहरिया में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं लाइक डोलशे मॉल और इस तरह की जितने भी हमें प्राइवेट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। एंड सेकेंडली हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, हमारी सारी वीडियोज़ देखा करें। और अल्लाह हाफिज़।